अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो है ना, मैं आप सबके साथ एक चाइनीज़ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये जो रेसिपी है ना, तो बहुत सिंपल तरीके से जो है ना, वो बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो है ना, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो बस मुझे जो है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और मेरे हस्बैंड को भी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो आज जो है ना, वो फ्राइड राइस जो है ना, वो बना लेती हूँ। इसके लिए जो है ना, मैंने कुछ सब्ज़ी लिए हैं, और सब्ज़ियों में जो है ना, मैंने ग्रीन वाले जो मटर होते हैं वो मैंने लिए हैं, पैकेट्स वाले हैं। मेरे पास वही इस टाइम पर अवेलेबल थे, तो बस मैंने वही ले लिए हैं। इसके साथ मैंने गाजर और शिमला मिर्च, इसको मैंने चॉप कर लिया है, और मैंने प्याज ली है, उसको मैंने रफली चॉप करा है। साथ ही साथ जो है ना, मेरी फ्रिज में जो है ना, वो बंद गोभी भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी ऐड कर देती हूँ, इसका टेस्ट जो है ना, और भी अच्छा आ जाएगा। तो मैंने इन सब्ज़ियों को जो है ना, वो बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पर जो है ना, मैंने एक नॉन स्टिक का पैन लिया था, और उसमें मैंने गार्लिक को जो है ना, वो चॉप करके इसमें ऐड कर दिया था। इसको बहुत ज़्यादा आपको सौते नहीं करना है, ब्लैक नहीं करना है। और उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें और रफली जो मैंने प्याज कट करके रखा था वो ऐड कर दिया था। प्याज को भी जो है ना, बस आपको सौते करना है 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और जब वो सौते हो जाए, तो उसके बाद जो है ना, मैंने जितने भी जो है ना, वो ये वेजीज कट करके रखे हुए थे, तो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए थे। सारे वेजीज ऐड करने के बाद मैंने इसे जो है ना, 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया था, ताकि जो इसका कच्चापन है ना, तो वो निकल जाए। आपको इसे हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है, इसे ओवर कुक नहीं करना है आपको। इसके बाद जो है ना, वो सारे सॉसेस की बारी आती है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस ऐड किया था। मैंने डार्क सोया सॉस ऐड किया था, अगर आपके पास लाइट वाला भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, मैंने 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस ऐड किया था भर के, और साथ ही साथ जो है ना, मैंने चिल्ली सॉस भी ऐड करा था 1 टेबल स्पून इसमें। उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया था। इन सारे सॉसेस को जो है ना, मैंने अच्छे से इसमें वेजीज़ में मिक्स कर लिया था, और 1 मिनट के लिए जो है ना, इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया था। अच्छा, ये जो है ना, ये सिंपल फ्राइड राइस नहीं है ना, तो इसमें जो है ना, मैंने इसमें 2 एग लिए थे, उसको जो है ना, मैंने सिंपली जो है ना, मैंने इसे कुक कर लिया था। उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ थोड़ा सा मैंने उसमें सॉल्ट ऐड करा था, और उसको जो है ना, मैंने एक साइड रख दिया था। इन सारी वेजीज़ में जो है ना, मैंने जितने भी सॉसेस ऐड करे थे, तो वो सारे अच्छे से बहुत मिक्स हो गए थे, और ये कुक भी हो गए थे। इसके बाद जो है ना, मैंने 2 एग जो है ना, मैंने कुक करके रखे हुए थे, तो 2 एग जो है ना, मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और एग जो है ना, वो वेजीज़ में मैंने बहुत अच्छे से जो है ना, वो मिक्स भी कर दिए थे। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी कभी जो है ना, वो बहुत सारे लोग जो है ना, उन्हें एग से थोड़ी सी एलर्जी होती है, या एलर्जी नहीं भी होती है, तो वो लोग नहीं खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एग पसंद नहीं होता है। तो आप जो है ना, इसमें एग को जो है ना, वो स्किप भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली जो है ना, वो वेजीज़ का भी सिर्फ यूज़ करके जो है ना, वो फ्राइड राइस बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वेजीज़ जो है ना, वो ली हैं, तो आप भी उन्हीं को ही जो है ना, वो लें। आपकी फ्रिज में जो है ना, जो भी वेजीज़ अवेलेबल होना, तो आप उनसे जो है ना, वो सिंपली फ्राइड राइस बना सकते हैं। एग को जो है ना, मैंने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया था। उसके बाद जो है ना, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, और उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा था। सॉल्ट टू टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट यूज़ करिए। अच्छा, जो राइस थे ना, तो मैंने उन्हें जो है ना, वो पहले से कुक करके रखा था, क्योंकि उसी टाइम जो है ना, वो अगर हम कुक करने के लिए उन्हें रखते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है ना, वो मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर इधर ध्यान दें कि उधर ध्यान दें, तो थोड़ा सा जो है ना, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस रीज़न से जो है ना, मैंने राइस को जो है ना, वो 2 आवर पहले ही जो है ना, वो मैंने कुक करके रख लिया था इस तरह से। तो ये जो है ना, मैंने सारे राइस इसमें ऐड कर दिए थे। राइस जो भी जो है ना, वो ऐड होते हैं, तो वो 100% जो है ना, वो कुक होते हैं। बस इसमें जो है ना, आपको बस मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है इसकी। उसके बाद जो है ना, आपको डिश आउट करना है। और जब मैंने डिश आउट किया था ना, तो उसमें जो है ना, मैंने थोड़े से फ्लेवर के लिए और थोड़ी सी खुशबू के लिए जो है ना, वो ऊपर से कसूरी मेथी ऐड करा था। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे जो है ना, मैंने 2 से 3 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर बस कुक कर लिया था, और उसके बाद जो है ना, मैंने इसे डिश आउट कर दिया था। और लिटरली यकीन करिए, ये बहुत ज़्यादा जो है ना, वो टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग जो है ना, वो ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरी ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।